हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 17 करेंगे। बच्चों, डेट है आपकी इस वर्कशीट की 20 सितंबर 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे स्क्वेयर एंड स्क्वेयर वर्ड प्रॉब्लम। तो स्क्वेयर के बारे में पढ़ेंगे और स्क्वेयर से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स के बारे में सीखेंगे बच्चों। तो देखते हैं इसमें, डियर स्टूडेंट्स, रोहित इज़ द मॉनिटर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ क्लास 8। तो रोहित जो है क्लास 8 के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। ही वांट्स टू कंडक्ट ए प्रेयर एट द असेंबली एरिया एट स्कूल। तो वो क्या करना चाहता है, एक असेंबली एरिया में अपने स्कूल के एक मीट प्रेयर को कंडक्ट कराना चाहता है। ही वांट्स द स्टूडेंट टू स्टैंड इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रो इज एज मच एज द नंबर ऑफ रो इन ए रो। तो वो चाहता है कि एक रो में उतने ही लाइन बने जितने की रो हैं। जैसे कि इतने ही, जैसे दो लाइन है तो दो ही लाइन बने ऐसे, ठीक है। तो दो बराबर बराबर की लाइन बने। तो इफ़ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज़ 1764, अगर मान लो टोटल बच्चे कितने, बच्चों 1764, तो देन हाउ मैनी रो विल रोहित मेक। तो आपको बताना है कि कितनी जो रो है, पंक्तियाँ हैं, रोहित को बनानी पड़ेंगी। लेट्स हेल्प रोहित इन दिस वर्क। तो आपको रोहित की इस काम में मदद करनी है। तो लेट्स जो मदद करते हैं हम उसके रोहित की, तो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए टी क्या होगा, क्या मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ रो क्या कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, जितने स्टूडेंट एक रो में हैं उतने ही रो होनी चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 1764। तो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, हर एक रो में कितने बच्चे होने चाहिए बच्चों, एक्स है। मान लो एक रो में बच्चों एक स्टूडेंट है और उतनी ही हमने रो बनानी, ठीक है। जैसे चार बच्चे हैं एक रो में तो चार ही हमें रो बनानी है, ठीक है। तो कितना, दोनों चीज़ एक जैसी होगी तो x मल्टीप्लाई x यानी कि एक्स स्क्वेयर हो गया। तो एक्स स्क्वेयर किसके इक्वल होगी, 1764 के। तो x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगी बच्चों, 42 के इक्वल, मतलब स्क्वेयर रूट कितना आ गया, 42। तो सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितना आ गया, 42, ठीक है। ये हम लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि कैसे इसका स्क्वेयर रूट निकालते हैं, तो हमने वही निकाला है। आगे देखते हैं इसमें, स्टेप टू चेक वेदर एनी नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वेयर नंबर और नॉट। तो आपको अगर ये चेक करना है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं, तो इसके स्टेप है, फर्स्ट ऑफ क्या करेंगे, फैक्टर इज गिवन नंबर इंटू प्राइम फैक्टर। तो जो नंबर दिया गया उसका प्राइम फैक्टर करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, मेक पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर उसके आप पेयर बनाएंगे। इफ़ ईच डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैज पेयर, और हर एक प्राइम जो नंबर है उसके फैक्टर अगर होंगे, मतलब हर एक प्राइम फैक्टर के पेयर बनेंगे, और नो वन ही इज़ लेफ्ट अनपेयर, और कोई भी ऐसा ना हो जिसका पेयर ना बने। टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर, आपको हर एक पेयर में से एक नंबर लेना है एंड उन सबको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वी विल गेट द स्क्वेयर रूट ऑफ द गिवन नंबर। तो हमें स्क्वेयर रूट मिल जाएगा उस नंबर का, ठीक है। ये हमारा प्रोसीजर है कि जिससे हम परफेक्ट स्क्वेयर नंबर या परफेक्ट स्क्वेयर पता कर सकते हैं कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वेयर है या नहीं। अगर किसी सबके पेयर बने तो परफेक्ट स्क्वेयर है, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका प्राइम फैक्टर ऐसा है जिसका पेयर नहीं बना, तो वो क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं है। आगे देखते क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाई टू 6800 टू गिव ए परफेक्ट स्क्वेयर। तो आपको बताना है 6800 को हम किससे मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर इन विच ऑल प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट इन पेयर आफ्टर फैक्टराइजेशन दैन द नंबर इज परफेक्ट स्क्वेयर एंड अदरवाइज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर। तो वही बात है, अगर सभी के पेयर बन जाए तो परफेक्ट स्क्वेयर है, अदरवाइज ये परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप हम करेंगे इसके, हम प्राइम फैक्टर करेंगे 6800 के। तो इसके प्राइम फैक्टर हैं, ये आप करके भी देखना। तो इसके बाद आप इनके पेयर बनाएंगे, तो पेयर हमने बनाया 2 2 का पेयर बन गया। फिर नेक्स्ट एक टू अकेला रह गया, 7 7 का बन गया, एक 7 अकेला रह गया, 5 5 का बन गया, ठीक है। तो इसमें 2 और 7 के बच्चों अकेले रह गए, दिस इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर। तो इट मीन्स क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, बिकॉज इट हैज़ नो पेयर फैक्टर फॉर 2 एंड 7। तो 2 और 7 के लिए इसका कोई भी पेयर नहीं बना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसने पूछा किससे मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारे 2 और 7 अकेले रह गए तो हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। इज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 7 दैट इज 14 टू गेट 6800 एज ए परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। तो हमें 6800 को परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए हमें उस 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेक पेयर, इसके बाद हम इनके पेयर बनाएंगे, 2 2 का पेयर बन गया, इस 2 के साथ दूसरा जो हमने 2 ऐड किया तो उसका पेयर बन गया, 5 5 का बन गया, 7 7 का बन गया, और एक 7 जो हमने मल्टीप्लाई किया था उसका सबका पेयर बन गया। वन नंबर इच फ्रॉम इच पेयर एंड मल्टीप्लाई दिस, तो इसमें हर एक पेयर में से हम एक एक नंबर लेंगे,
इसमें से एक लिया, इन दोनों में से एक लिया, इन दोनों में से हमने एक लिया, और इन दोनों में से हमने एक सेवन लिया, और इन दोनों सेवन में से हमने एक सेवन लिया। इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 980। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया बच्चों, 980। ठीक है, अब हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। लेट अस ट्राई दिस। फर्स्ट है 6 3 1 5 6 प्लांट आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन इन सच ए वे डैट ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट एज अ नंबर ऑफ रो। तो हर एक रो में उतने ही प्लांट है जितने की रो हैं। ठीक है, तो आपको इसका क्या निकालना है, स्क्वेयर रूट निकालना है। तो इसका हम देखते हैं 3 1 5 6 का। तो फर्स्ट का आप आंसर लिखेंगे एन स्क्वेयर इक्वल टू 3 1 5 6। एन का अगर हम इसका स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो बनेगा 56.17। और आपको एग्जैक्ट इसका न्यूमेरिकल में लेना तो 56 नियर बाई 56 का, तो इसका आंसर हो जाएगा 56। तो फर्स्ट का आंसर आप करेंगे 56 बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फॉर COVID-19 फंड। ई स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। तो जितने स्टूडेंट क्लास में हो उतने ही हर एक बच्चे से पैसे लिए गए। दे डोनेटेड 26101 देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अगर 2601 रुपये टोटल इकट्ठे होते हैं तो आपको बताना कि क्लास में कितने बच्चे हैं। तो देखते हैं इसको उत्तर बच्चों हम। तो इसका आंसर आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास अंडर रूट ऑफ 2601, यानी कि आपके पास आंसर आएगा 51। तो हर एक क्लास में मतलब क्लास में कितने बच्चे बच्चों 51। हर एक बच्चे ने कितने रुपये दिए बच्चों 51। तो 51 मल्टीप्लाई 51 हमारा 2601 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का हम। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर डेट कैन मल्टीप्लाई टू 5400 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 5400 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखते हैं इसका आंसर हम। तो 5400 के हम फैक्टर करेंगे, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे 2700, फिर 2700 को हम 2 से करेंगे तो 3350, फिर 2 से किया तो 675, फिर 3 से किया तो 225, फिर 3 से किया 45, 5 से किया तो 931। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो इसको हम आगे करेंगे 22, इसको लिख दिया हमने 2225533। ये सारे नंबर हमने इधर लिख दिया। अब हम देखते हैं किसके पेयर बन रहे हैं। तो हमने देखा इसके 2 के फैक्टर पेयर बन गया, इस 5 का बन गया और इस 3 का बन गया। तो 2 और 3 का पेयर नहीं बन रहे, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसको, 6 से। ठीक है, हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2 का भी पेयर बन जाएगा 3 का भी। ठीक है, और इसके बाद हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, इसमें से हमने एक ले लिया, इन दोनों में से हमने एक ले लिया, इन तीन में से हमने एक ले लिया, फिर ये जो 5 था उसमें से एक लिया और 3 ले लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 4 3 12 12 5 60 60 3 180। तो आंसर आपका आएगा 180। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 6 से। ठीक है, तो आपका लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। पूरी की पूरी वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट का सोल्यूशन अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। और प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।